तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना कोई सुख है। इसीलिए मेहनत कीजिए और अपना करियर बनाइए। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी खत्म नहीं होने वाले। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वो खुद भी गलत है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो दुनिया आपको बेच खाएगी। वास्तविक प्रेम का अनुभव कभी सुख में नहीं होता, बल्कि सच्चे और झूठे प्रेम का पता वो दुख में चलता है। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं। अरे तू वो कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक शख्स को कि वो किसी और को ना चाहे। अरे तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी, सिर्फ दिल लगी थी। वरना सच्ची मोहब्बत में पल भर का बिछड़ना भी तेरे लिए कयामत होता। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। अपनी तो जिंदगी ऐसी ही है जनाब, जमीन मिली तो बंजर और दोस्त मिले तो खंजर। कर्म आकाश की ओर फेंके गए उन पत्थर के समान है, जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर रहेगा। सोचते हैं हम भी सीख ले बेरुखी करना सबसे, सबकी कदर करते करते हमने अपनी ही कदर खो दी है। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। जिनकी वफा पर नाज था, हमने उनके हमराज बदलते देखे हैं, और हालात बदलते ही लोगों के अंदाज बदलते देखे हैं। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है, और खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं, मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था ये कुछ लोग जानते हैं, पर मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया जानेगी। दर्द के सिवा मिला ही क्या है मुझे, अपनों से भी और सपनों से भी। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये न बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी ये शायरियां गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह हैं। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां कर करके सीखे। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूं, आप खामोशी से उसकी जिंदगी से ही दूर चले जाना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है।
मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है, कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हो, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसीलिए हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य हो। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम हर रोज आईने में देखते हो। ये कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। थोड़ा बहुत पागल होना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समझदार लोग खुलकर हंसते कहां हैं। उम्र भर भटकना ही बेहतर है किसी गलत जगह बन जाने से। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये कहने वाले लोग अक्सर छोड़ के चले जाते हैं। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता हो। हर कोई अपना हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ वो खुदा ही जानता है कि मैं अपने दिल में कितने दर्द छुपाए बैठा हूं। बार बार धोखे को माफ मत कीजिए, वरना आगे वाला व्यक्ति आपको मूर्ख समझने लग जाएगा। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो उसके साथ नहीं थे। तो मुझमें खामियां ढूंढते रह गए और कोई मेरी खामियों का ही दीवाना हो गया। जो तुम्हारी खामोशी को समझ गया, समझ लेना कि वो तुम्हें समझ गया। बेमतलब, बेफजूल, बेकार नहीं है। नए दौर के रिश्ते हैं साहब, बस वफादार नहीं है। हिसाब पूरा रखा करो, क्योंकि आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। खुदा करे तुझे इश्क हो मेरे जैसा और तुझे महबूब मिले खुद तेरे जैसा। एक बार ही बहकती है ये नजरें किसी को देखकर, ये इश्क है साहब 100 बार नहीं होता। मैं खुद ही था खुद को किनारे लाने वाला, वरना समंदर ने तो बहुत मौके दिए मुझे डूब जाने के। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनापन जताने का नाटक करना तो उससे भी बड़ा धोखा होता है। सोचा था इस मोड़ के बाद आगे सुकून मिलेगा, लेकिन ये सोच सोच के हमने पूरी जिंदगी खत्म कर दी। अजीब लोग हैं, खुद बदल जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम बदल गए हो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से लोगों के लिए सोचते हैं। कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है, जब हमारे पास होने के लिए कुछ ना बचे। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है ना, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे धोखा खाने वालों में रखा, धोखा देने वालों में नहीं। अगर ये दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के भी दरवाजे पर ताले नहीं लगे होते। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, पर कोशिश है कि कोई गलत ना करे। खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में इतने बुरे लोग मिले कि अब तो अच्छे भी बुरे लगने लगे हैं। अब ये मत पूछना कि अल्फाज कहां से लाता हूं। कुछ चुराता हूं दूसरों के दर्द और कुछ अपना हाल सुनाता हूं। तूने तो ऐसे छोड़ दिया मुझसे बात करना, जिसे सदियों से मेरी मोहब्बत तुझ पर कोई बोझ थी।
मेरी कही हुई बातों को हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि मैं एहसास कहता हूँ और लोग अल्फाज समझते हैं जिसे निभा ना सकूं। मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान को छूने की, लेकिन दूसरों को गिराने का मैं कभी कोई इरादा नहीं रखता। कुछ लोग पसंद करने लगे हैं अल्फाज मेरे, मतलब मोहब्बत में बर्बाद और भी लोग हुए हैं। अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। वैसे दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए, पर असल मौत उसकी है जिसका अफसोस सारी दुनिया करे। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। एहसास खत्म, रिश्ता खत्म, कितना मुश्किल होता है ना। एक मरे हुए मन को जिंदगी भर जिंदा जिस्म में ढोना। दूर रहने वाला हर शख्स दूर नहीं है, और पास रहने वाला हर शख्स पास नहीं है। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वो बात नहीं होती। हाँ, पता है कि हर इंसान धोखा नहीं देता, लेकिन अब हम भरोसा नहीं करते हैं। हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या दुखी हैं। कहने को शब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं। दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन दिखाने को घाव नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी। चलने का ना सही, लेकिन संभलने का हुनर तो आ ही गया। बात इज्जत की नहीं, कदर की होती है। जगह खुद ही बनानी पड़ती है, चाहे किसी का दिल हो या किसी का घर हो। जिन्हें कदर तक नहीं तुम्हारी, तुम उन्हें अपनी दुनिया बना बैठते हो। अगर आपको अपना परिचय खुद देना पड़े, तो समझ लीजिए कि कामयाबी अभी बहुत दूर है। सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख लेते हैं। मोहब्बत की सही पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। धोखे ही धोखे हैं इस जहां में, कहीं एतबार नहीं मिलता। जिस्म या पैसे के भूखे हैं सब यहां, कहीं सच्चा प्यार नहीं मिलता। जब अकेले ही काटना है मुझे जिंदगी का सफर, तो पल दो पल साथ रहकर मेरी आदत खराब ना करो। जब तुम्हें कोई नजरअंदाज करना शुरू कर दे, तो जान लेना अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। मुश्किल है, पर थोड़ी कोशिश किया करो। जब जहां मौका मिले हंस के जिया करो। कभी कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है। आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो कभी नहीं हंसता जब मैं रोता हूं। ये जिंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। हम जिनके लिए रोते हैं, अक्सर वो लोग किसी और के होते हैं। अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा समय, ये वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। खुद को इतना ज्ञानी मत समझो कि लोग आपको पागल समझने लग जाएं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली, वो कल बदल जाएगा। जिसने नहीं बदली, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। जो गुजर चुका है, उसे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े हो जाएं। बस यही सोचकर मैं हमेशा लड़ता आया हूं कि धूप कितनी भी तेज हो,
वो समंदर नहीं सुखा सकती। अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। सुंदरता मन की रखो, क्योंकि फेस वॉश से सिर्फ मुंह चमकते हैं, दिल नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना होकर लौटती है। बोलने से पहले शब्द इंसान के बस में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान शब्दों के बस में हो जाता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी परेशानियों को कभी दूर नहीं कर सकते। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिस चीज का डर लगता है वही चीज करो, आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो ये सारी दुनिया ही बदल जाएगी। दुनिया अगर तुम्हारा विरोध करे तो कभी डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कोई भी इंसान तुम्हारे पास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी योग्यता दी है। जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। घोड़ा वही जीतता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो, और परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार हो। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, लेकिन खास के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। बदलता वक्त और बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं हुआ करते। रोते रोते हुए कहती है जिंदगी मुझसे कि सिर्फ एक शख्स की खातिर मुझे बर्बाद न कर। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर उन्हीं लम्हों को ले आता है जो उसे तकलीफ देते हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसलिए हमेशा कोशिश करना इसमें वही लोग रहें जो इसमें रहने के काबिल हों। यदि हर सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की ही करते हैं जो हासिल ना हो सका। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है जनाब। यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। सफलता भी फीकी सी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है।
एक बार किसी इंसान से अगर भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने न दे। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, इसे बहरे भी सुन सकते हैं और इसे गूंगे भी समझ सकते हैं। जो रिश्ते दिल में पला करते हैं सिर्फ वो ही चला करते हैं। आंखों से पसंद करके बनने वाले रिश्ते वक्त वक्त पे बदला करते हैं। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो ये सीख लो कि गर्दन कहां और कितनी झुकानी चाहिए। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय तो हो और रिश्ता ही ना हो। सारी उम्र गुजार दी हमने तन्हाई में, जरा सांसें क्या टूटी, मेला सा लग गया। उधार और प्यार बस उन्हीं को दो जो आपको वापस दे सके। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे।